खबर पैनी नजर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आखिरी बार बतौर राष्ट्रपति देश को किया संबोधित। रामनाथ कोविंद ने देश के सभी लोगों का जताया आभार। अपने संबोधन में रामनाथ कोविंद ने कहा, भारत का लोकतंत्र सभी को देता है मौका। कार्यालय के दौरान सभी का मिला सहयोग। बतौर राष्ट्रपति गांव स्कूल जाना हमेशा रहेगा याद। नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता सिल्वर। नीरज ने अपने चौथे प्रयास में 88.13 मीटर का किया थ्रो। प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने नीरज। इससे पहले साल 2003 में लॉन्ग जंप में अंजू बॉबी जॉर्ज ने जीता था कांस्य पदक। जीत के बाद बोले नीरज चोपड़ा, कड़ा मुकाबला था लेकिन हर दिन एक जैसा नहीं होता। गोल्ड जीतने की भी भूख बनी रहेगी। चौबीस साल के नीरज चोपड़ा के कमाल पर देश में जश्न का माहौल। बेटे की जीत की खुशी में मां ने किया जमकर डांस। नीरज के गांव वाले भी खुशी से झूमे। नीरज चोपड़ा को मेडल जीतने पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने दी बधाई। सीएम मनोहर लाल बोले, ये हरियाणा के लिए गौरव की बात। सीएम ने की नीरज के उज्जवल भविष्य की कामना। नीरज चोपड़ा की जीत के बाद बधाई देने वालों का लगा तांता। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर नीरज चोपड़ा को दी बधाई। देश के लिए सिल्वर मेडल जीतने पर नीरज चोपड़ा को दी जा रही बधाई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी नीरज चोपड़ा को दी बधाई। दिल्ली में रोजगार को बढ़ाने के लिए सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान। दिल्ली के मजनू का टीला और चांदनी चौक में बनाए जाएंगे फूड हब। केजरीवाल ने कहा कि 5 साल में 20 लाख को दिया जाएगा रोजगार। साथ ही कहा कि फूड हब का ब्रांडिंग भी की जाएगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कल करेंगे हिमाचल का दौरा। सीएम केजरीवाल सोलन में 5000 से ज्यादा पार्टी पदाधिकारियों को दिलाएंगे शपथ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिले कुलदीप बिश्नोई। बिश्नोई ने दिल्ली के हरियाणा निवास में की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हुई दोनों नेताओं के बीच चर्चा। कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस के खिलाफ की थी क्रॉस वोटिंग। क्रॉस वोटिंग के बाद कांग्रेस आलाकमान बिश्नोई से नाराज। फरीदाबाद के गांव चंदावली के लोगों ने महापंचायत का किया आयोजन जिसमें करीब 80 से ज्यादा गांव के लोगों ने लिया भाग। हरियाणा की अंजलि यादव ने 500 में से 500 नंबर के साथ 10वीं में किया टॉप। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंजलि को फोन पर दी बधाई। देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने मनाया तीजोत्सव जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी ने भी की शिरकत। उत्तराखंड में डाक कावड़ यात्रा को देखते हुए जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने हरिद्वार के दोनों टोल प्लाजा पर 26 जुलाई तक टोल टैक्स फ्री करने के दिए आदेश। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस का विरोध। मुरादाबाद में कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए निकाला कैंडल मार्च। जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन।
जौनपुर में अवैध निर्माणों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, सपा नेता के बनाए गए स्कूल पर हुई कार्रवाई, बुलडोजर की कार्रवाई, इलाके में हड़कंप मच गया। कानपुर पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, नगर निगम में आयोजित स्वनिधि महोत्सव का किया शुभारंभ, नगर निगम में लगाए गए स्ट्रीट वेंडरों के स्टॉल का किया निरीक्षण। वाराणसी सर्किट हाउस पहुंचे बीजेपी जल शक्ति मंत्री देव सिंह पटेल, सोनिया गांधी के ईडी जांच मामले पर कहा जो चल रही है वो कानूनी प्रक्रिया है। मसूरी के सेंट जॉर्ज कॉलेज में हुआ 49वां जैकी मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ, कोरोना को ध्यान में रखते हुए आयोजित की गई प्रतियोगिता। पलवल में SBI ने रात्रि चौपाल का किया आयोजन, चौपाल में बैंक के अधिकारियों ने किसानों को दी कई लाभकारी योजनाओं की जानकारी। सोनीपत में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल राय में प्रिंसिपल की मांग को लेकर मौन सत्याग्रह, अभिभावकों ने स्थिर प्रिंसिपल और डायरेक्टर की बहाली की मांग को लेकर शुरू किया सत्याग्रह। अलवर में रीट परीक्षा को लेकर सेंटर में पुलिस और प्रशासन के थे पुख्ता इंतजाम, शहर के आर्य कन्या वैदिक विद्यालय मंदिर सेंटर पर 3 छात्रों को समय से पहुंचने के बाद भी एंट्री न दिए जाने के मामले को लेकर मुद्दा गरमाया। वहीं मामले की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन, कलेक्टर से मामले की शिकायत के बाद भी छात्रों को नहीं मिली एंट्री। वहीं 12 में पहले दिन 10,292 परीक्षार्थी ने दी रीट की परीक्षा और आज भी 23 परीक्षा केंद्रों पर हुई परीक्षा, जिसमें 10,237 परीक्षार्थी ने लिया हिस्सा। वहीं सिरोही में भी आयोजित हुई रीट की परीक्षा, दूसरे दिन भी परीक्षा केंद्रों के बाहर लगी लंबी कतारें, सभी परीक्षा केंद्रों पर रहा पुलिस का कड़ा पहरा। CBSE बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा में मंजिल गंगवार ने 98.7% अंक लाकर किया नैनीताल का नाम रोशन, शिक्षकों का किया धन्यवाद। शिमला में हुआ भारतीय मजदूर संघ के 67वां स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में प्रदेश भर से भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता हुए एकत्र। दिल्ली में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी उम्मीदवार मार्गेट अलवा ने की CM अरविंद केजरीवाल से मुलाकात, मार्गेट अलवा ने आपसे मांगा समर्थन। शिमला में इंटरनेशनल समर फेस्टिवल 2022 के विजेताओं को DC आदित्य नेगी ने किया पुरस्कृत, कार्यक्रम में 700 प्रतिभागियों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लिया था भाग। संभल में कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने जिला प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप, कहा बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, DM और SP रोड जाम करने के आरोप में पुलिस ने 5 कांग्रेसियों को किया था गिरफ्तार। अमृतसर में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, आला अधिकारियों की मौजूदगी में नाका लगाकर की जा रही वाहनों की चेकिंग, नाकाबंदी कर बुरे तत्वों को रोकने के लिए चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन। पाली के मारवाड़ में साक्षरता और संख्या ज्ञान शिविर का हुआ समापन, समापन समारोह में कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। हरिद्वार के ओमपुल के पास खड़ी कावड़ियों की 4 बाइकों में लगी अचानक आग, अचानक आग लगने से मची अफरा तफरी, मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। फरीदाबाद में दबंगों ने युवक की हत्या, 4 दिन में लगातार हुई 4 हत्याएं, सवालों के घेरे में घिरा पुलिस प्रशासन। शामली में पुलिस ने बीते दिनों हुई मासूम की हत्या का किया खुलासा, आरोपी ने आम मांगने पर की थी मासूम बच्ची की हत्या, फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है आरोपी। जयपुर में मुख्य सचिव उषा शर्मा का निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के लिए दौरा, मौके पर जयपुर विकास आयुक्त विजय और RJD के अधिकारी रहे मौजूद।
कानपुर में प्रसार भारती का बड़ा फैसला, नॉर्थ जोन के स्थानीय कार्यक्रमों पर लगाई रोक। आकाशवाणी में कार्यरत कर्मचारी फैसला वापस लेने की कर रहे हैं मांग। कांवड़ यात्रियों पर होने वाली पुष्प वर्षा को किया गया रद्द, अज्ञात कारणों की वजह से टाली गई पुष्प वर्षा। सीएम योगी के आदेश के बाद कांवड़ यात्रियों पर होनी थी वर्षा। आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रविंदर पुंडीर कांग्रेस में हुए शामिल, आपने कई साथियों के साथ कांग्रेस में हुए शामिल। हरदोई जिलाधिकारी ने रामगंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल का किया निरीक्षण, दिसंबर 2023 तक निर्माण कार्य पूरा करने के दिए निर्देश। झंडा संहिता में केंद्र सरकार ने किया बदलाव, किसी भी वक्त फहराया जा सकता है झंडा, पॉलिस्टर और मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज का भी किया जा सकता है उपयोग। हरियाणा के नू में डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने तीन और आरोपियों को किया गिरफ्तार, मामले में कुल छह लोगों की जा चुकी है गिरफ्तारी। आरोपी इक्कर के वकील ने कहा कि वो मानसिक रूप से अशक्त है। पाली में मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान, युवक से तलाशी के दौरान स्मैक बरामद। बिलासपुर पुलिस ने गुमशुदा अंकित हत्याकांड मामले में किए चार आरोपी गिरफ्तार, मृतक परिवार से संबंध रखने वाले चारों आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों में तीन पुरुष और एक महिला शामिल, तलाशी के दौरान घर से तेजधार हथियार भी बरामद। कनीना में गैस एजेंसी कर्मचारी से पिस्तौल के दम पर 1,75,000 की लूट, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। चंडीगढ़ में चलाया वाहन चेकिंग अभियान, 10,000 पुलिस कर्मचारी अभियान में होंगे शामिल, पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने दी जानकारी। बस्ती में कांवड़ सुरक्षा को लेकर हुई बैठक, बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिए गए दिशा निर्देश। औरैया पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, तीन एटीएम ठग चढ़े पुलिस के हत्थे, लोगों की मदद के बहाने करते थे एटीएम में हेरा फेरी और निकाल लेते थे पैसे, तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। मोगा में पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर और नशा मुक्त कराने के लिए चलाया अभियान, नाकेबंदी कर चेकिंग की शुरू। बिलासपुर में भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले सिलाई कढ़ाई अध्यापकों ने किया प्रदर्शन, न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, ओएम प्रदेश सरकार से ठोस पॉलिसी बनाने की कर रहे हैं मांग। दिल्ली के विश्राम चौक पर रेड लाइट के खराब होने से लोगों को हो रही दिक्कत, रेड लाइट के खराब होने से यातायात व्यवस्था भी हुई प्रभावित, लोगों ने प्रशासन से दुरुस्त कराने की लगाई को हाथ। अजमेर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नशीले पदार्थ के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, कोर्ट ने आरोपी को एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। चाकसू पुलिस ने लिया एक्शन, पेड़ पौधों की आड़ में हुई गांजे की तस्करी, पुलिस ने लावारिस खड़े ट्रक से किया 1.5 करोड़ का गांजा जब्त, ट्रक में भरा था 8 क्विंटल 33 किलोग्राम गांजा। हरदोई नगर पालिका क्षेत्र में अवैध कब्जाधारों के हौसले बुलंद, सरकारी भूमि पर किया जा रहा पक्की दुकानों का निर्माण, आपत्ति जताने पर भी पालिका प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। श्री मुक्तसर साहिब में चोरों ने अकाली दल के नेता के घर को बनाया निशाना, चोरों ने घर में रखे लाखों रुपयों पर किया हाथ साफ, मामले की गहनता से जांच में जुटी पुलिस। भारी बारिश के साथ प्रभावित हुए हल्का लंबी के इलाके की फसलें, पर्यावरण कार्यकर्ता बलबीर सिंह सिचेवाल ने किया दौरा, फसलों में खड़े पानी का निरीक्षण कर किसानों से की बातचीत। कोटा में 2 दिन की लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, बाहरी बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में भरा पानी, नगर निगम के गोताखोरों की टीम हुई रवाना।
रोहतक में बारिश के कारण जल भराव की समस्या को लेकर नगर निगम की टीम हुई सख्त। भिवानी स्टैंड पर दुकानों के आगे बने अवैध कब्जे के फुटर्स पर चलाया बुलडोजर। कोटा में दो दिन से हो रही लगातार बारिश के दौरान सड़कों पर हुआ जल भराव, परेशान लोगों का पार्षद के खिलाफ गुस्सा, नाले का डायवर्जन नहीं करने का लगाया आरोप। बिलासपुर में बारिश का कहर जारी, बारिश के चलते गुमारवी के एक गांव में हुआ भूस्खलन, दबककर मासूम की मौत, भूस्खलन के चलते गांव का रास्ता भी हुआ अवरुद्ध। कोटा में कोचिंग छात्रा ने परीक्षा में फेल होने के भय से लगाई फांसी, पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सोनीपत के मंडोरा गांव में आप महिला विंग की ओर से मनाया गया तीज महोत्सव, महोत्सव में आप कार्यकारी महिला प्रदेश अध्यक्ष अनुका दयान भी शिरकत, और इस दौरान सैकड़ों महिलाओं ने सावन गीत का किया गायन। पाली के गांधीनगर में हुई तेज बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, लोगों के घरों में घुसा फैक्ट्रियों का दूषित पानी, गंदा पानी घर में घुसने से नाराज लोग, ग्रामीणों ने कहा सांस लेने में हो रही है दिक्कत। मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया, वहीं अमेरिका में पहली बार बच्चों में मिला संक्रमण, भारत समेत 80 देशों में 16,886 मरीज। दिल्ली में मंकी पॉक्स की दस्तक, राजधानी में सामने आया मंकी पॉक्स का पहला मामला, केरल के बाद राजधानी में मिला देश का चौथा मरीज। देश में 14 जुलाई को हुई थी मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि, उसके बाद 18 जुलाई को दूसरा और 22 जुलाई को तीसरा मामला आया था सामने। फिर 86 साल के हुए पद्मश्री नेशनल अवार्ड और 7 फिल्मफेयर अवार्ड से सम्मानित एक्टर मनोज कुमार, 4 जुलाई 1937 को गुलाम भारत के एबटाबाद में हुआ था मनोज कुमार का जन्म। लंदन से वापस लौटे ऋतिक रोशन और सबा आजाद, हाथों में हाथ डाले मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकलते नजर आए कपल, लंदन में दोनों छुट्टियां मनाने गए थे। अरमान मलिक के बर्थडे बैश में पहुंचे इब्राहिम अली खान, सिंगर ने इब्राहिम को बताया अपकमिंग हीरो, दोनों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। आमिर खान ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर लाल सिंह चड्ढा का एक BTS वीडियो किया शेयर, वीडियो में दिखाई दे रही है फिल्म की शूटिंग की झलक। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अक्षय कुमार को भेजा सम्मान भरा पत्र, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा टैक्स भरते हैं एक्टर। दीपेश भान की मौत के बाद टूटा परिवार, फैमिली से जुड़े करीबी ने किया खुलासा, परिवार के पास लोन चुकाने के भी नहीं है पैसे। फिल्म शमशेरा बॉक्स ऑफिस पर नहीं बना पाई खास जगह, रणबीर की फिल्म शमशेरा ने दो दिन में कमाए सिर्फ 20 करोड़ रुपए, आलिया की गंगूबाई को भी नहीं छोड़ पाई पीछे। दीपेश खान का आखिरी पोस्ट हुआ वायरल, मौत के 3 दिन पहले वीडियो किया था शेयर, क्रिकेट खेलने के दौरान हुई एक्टर दीपेश की मौत। एयरलाइन कंपनी इंडिगो के MD राहुल भाटिया का वीडियो हुआ वायरल, हवाई यात्रा के दौरान चाय में पार्ले जी बिस्किट डुबोकर खाते हुए दिखे इंडिगो MD, वीडियो देख लोगों ने की सादगी की सराहना। अगस्त के लिए बैंक की हॉलीडे लिस्ट जारी, बैंकों में 18 दिन नहीं होगा कामकाज, 13 से 15 अगस्त तक लगातार बंद रहेंगे बैंक। 77 साल के हुए अजीम प्रेमजी, साबुन और वेजिटेबल ऑयल की कंपनी से बनाए IT की विप्रो, 21 साल की उम्र में संभाली थी कंपनी की कमान। रेल यात्रियों को लगा बड़ा झटका, रेलवे ने आज से 220 ट्रेनों को किया कैंसिल, साथ ही 15 ट्रेनों को रिशेड्यूल कर 24 ट्रेनों को किया डाइवर्ट।
अमेरिका के वॉशिंगटन में गोलीबारी हमले में एक व्यक्ति की मौत, 6 लोग घायल और सुबह रेंटन सिटी के सिएटल उपनगर में हुई शूटिंग। रोबोट ने तोड़ी 7 साल के लड़के की उंगली। रशिया में एक चेस टूर्नामेंट खेल रहा था लड़का, वहीं अधिकारियों ने कहा सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने पर हुआ हादसा। आप देख रहे हैं खबर फास्ट।